हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, चलते हैं आज की नई जानकारी की तरफ। विश्व के सबसे बड़े धार्मिक स्थल कौन कौन से हैं, सभी संप्रदायों के बारे में जानकारी लेकर आया हूं। दोस्तों, वीडियो बड़ा ज़रूर है लेकिन सभी धर्मों के बारे में है। अगर आप जानकारी चाहते हैं तो फ्री टाइम पर वीडियो को सुनिएगा। तो चलते हैं दोस्तों जानकारी की तरफ। विश्व में कई धर्मों के लोग रहते हैं, लोगों की कई तरह की मान्यताएं भी होती हैं। कोई हिंदू धर्म मानता है तो कोई मुस्लिम, तो कोई सिख धर्म, तो कोई ईसाई धर्म। कई लोग तो ऐसे भी हैं जो किसी धर्म को नहीं मानते। लेकिन सभी धर्मों से बड़ा धर्म है सनातन धर्म, जो कई युगों से चला आ रहा है, जिसके बहुत सारे साक्ष्य भी हैं। सनातन धर्म का अर्थ होता है शाश्वत या हमेशा बना रहने वाला, अर्थात जिसका ना आदि है ना अंत है। सनातन धर्म को मूलतः भारतीय धर्म मानते हैं, क्योंकि किसी जमाने में पूरे बृहत्तर भारत तक व्याप्त रहा। यह धर्म हिंदुत्व सनातन धर्म के रूप में भी सभी धर्मों का मूलाधार है, क्योंकि सभी धर्म सिद्धांतों की सार्वभौमिक आध्यात्मिक आध्यात्मिक सत्य विभिन्न पहलुओं का इसमें समावेश है। सनातन का अर्थ है जो शाश्वत हो, सदा के लिए सत्य हो। जिन बातों का शाश्वत महत्व हो वही सनातन कही गई है। जैसे सत्य सनातन है, ईश्वर ही सत्य है, आत्मा ही सत्य है, मोक्ष ही सत्य है, और इस सत्य के मार्ग को बताने वाला धर्म ही सनातन धर्म भी सत्य है। वह सत्य जो अनादिकाल से चला आ रहा है और जिसका कभी भी अंत नहीं होगा, वह ही सनातन या शाश्वत है, जिनका प्रारंभ है और न जिनका अंत है, उस सत्य को ही सनातन कहते हैं। यही सनातन धर्म का सत्य है। हिंदू धर्म में कई लोग बड़े बड़े मंदिर और धर्मशालाएं बनवाते थे, जिसमें प्राचीन मंदिरों के साक्ष्य आज भी मिलते हैं, जिसमें विश्व में कई ऐसे मंदिर आज भी विराजमान हैं। जैसे विश्व का सबसे प्रसिद्ध मंदिर अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया में है। यह एक ऐसा मंदिर है जो दुनिया का सबसे विशाल और भव्य मंदिर है, जो कंबोडिया के राजा सूर्यवर्मन द्वारा 12वीं सदी में बनवाया गया था। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। यह मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल भी माना जाता है। करीब 500 एकड़ में फैला हुआ है यह मंदिर। दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा मंदिर भारत के तमिलनाडु के त्रिची नामक स्थान पर स्थित है, जिसका नाम श्री रंगनाथ मंदिर है। भारत का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है जो भगवान विष्णु को समर्पित है। यह मंदिर इतना विशाल है कि पूरा शहर इसके परिसर में बसा हुआ है। तीसरा सबसे बड़ा मंदिर दिल्ली में स्थित है, अक्षरधाम मंदिर, स्वामी नारायण के नाम से जाना जाता है। इसे दुनिया का सबसे विशाल हिंदू मंदिर होने के नाते 6 दिसंबर 2007 को यह गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया। चौथा सबसे बड़ा मंदिर भारत के तमिलनाडु में स्थित है, जिसे चिदंबरम मंदिर के नाम से जाना जाता है और जो एक शिव मंदिर के रूप में भी बहुत प्रसिद्ध है। यह एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है। दुनिया का सबसे बड़ा पांचवां मंदिर बेल्लूर मठ है, जिसे स्वामी विवेकानंद ने बनवाया था। यह मंदिर कोलकाता के हुगली प्रांत में स्थित है। यह मंदिर आधा काली का मंदिर है। यह दुनिया का पांचवां विशाल हिंदू मंदिर है। दुनिया का
सबसे बड़ा छठवा विशाल मंदिर तमिलनाडु में स्थित है, जिसे बृहदीश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर भी शिव का एक विशाल मंदिर है, जो करीब 1000 साल पहले राजा चोला प्रथम दुनिया का सातवां सबसे विशाल मंदिर भी तमिलनाडु में स्थित है, जिसका नाम अन्नामलाई मंदिर है। यह मंदिर भी भगवान शिव का एक भव्य मंदिर है। दुनिया का सबसे बड़ा आठवां मंदिर एंकबरेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है, जो दक्षिणी भारत के कांचीपुरम नामक स्थान पर स्थित है। यह मंदिर भी भगवान शिव का है मंदिर है, जो एक बहुत ही विशाल मंदिरों में से एक है, एंकबरेश्वर मंदिर। दुनिया का नौवां सबसे बड़ा विशाल मंदिर भी भारत के तमिलनाडु में ही स्थित है, थिरुवनैकवल मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, जो तमिलनाडु के त्रिची नामक स्थान पर स्थित है। यह मंदिर भी शिव मंदिर के नाम से जाना जाता है, जिसका निर्माण करीब 1800 वर्ष पूर्व राजा कोसंगनन ने करवाया था। अब आते हैं सिख धर्म पर। सिख धर्म की शुरुआत गुरु नानक देव ने की थी। सिखों के प्रसिद्ध धार्मिक गुरु ग्रंथ साहिब है। सिख धर्म में इनके धार्मिक स्थल को गुरुद्वारा कहते हैं। सिख धर्म के लोगों का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध धार्मिक स्थल स्वर्ण मंदिर है, जो पंजाब के अमृतसर में स्थित है। इस गुरुद्वारे में खास बात यह है कि इसका बाहरी हिस्सा सोने से निर्मित है, इसलिए इसको स्वर्ण मंदिर कहते हैं। बताया जाता है कि हैदराबाद के सातवें निज़ाम मीर उस्मान अली खान इस मंदिर को सालाना दान किया करते थे। सिख धर्म का प्रसिद्ध और प्रचलित गुरुद्वारा हुजूर साहिब गुरुद्वारा महाराष्ट्र में स्थित है। यह गुरुद्वारा महाराष्ट्र के नांदेड़ शहर में स्थित है। अब चर्चा करते हैं ईसाई धर्म के बारे में। ईसाई धर्म मसीही या क्रिश्चियन धर्म से संबंधित है। इस धर्म की शुरुआत प्रथम सदी के फलस्तीन में हुई थी, जिसके अनुयायी ईसाई कहलाते हैं। धर्म के धर्म गुरु ईसा मसीह के ईसाई धर्म का मुख्यतः तीन समुदाय में कैथोलिक प्रोटेस्टेंट और ऑर्थोडॉक्स ईसाई धर्म का प्रमुख धर्म ग्रंथ बाइबल है। ईसाइयों के धार्मिक स्थल को चर्च कहते हैं। विश्व की अधिकांश जनसंख्या ईसाई धर्म से संबंध रखती है। ईसाई धर्म का सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध स्थल सेंट पीटर्स बेसिलिका चर्च वेटिकन सिटी में स्थित है। सेंट पीटर्स बेसिलिका चर्च दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध चर्च है। यह चर्च इतना बड़ा है और विशाल है कि यहाँ करीब 60,000 लोग एक साथ प्रार्थना कर सकते हैं। ईसाई धर्म का सबसे बड़ा दूसरा प्रसिद्ध चर्च बेसिलिका ऑफ अवर लेडी है, जो ब्राजील में स्थित है। यह चर्च मरीन यात्रियों का सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध चर्च है। इस चर्च को ब्राज़ील का सबसे बड़ा कैथोलिक चर्च भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं मुस्लिम धर्म के बारे में। इस्लाम धर्म का अर्थ होता है अमन शांति। इस्लाम धर्म के धर्म जिनका जन्म मक्का में हुआ था लगभग 1613 ईस्वी के आसपास, मोहम्मद साहब ने अपना उपदेश देना आरंभ किया था। इसी काल से इस्लाम धर्म का आरंभ होता है, जो आज विश्व में एक धर्म के रूप में जाना जाता है। मुस्लिम धर्म के समुदायों का प्रमुख धार्मिक स्थल मस्जिद है, जहां पर मुस्लिम धर्म के लोग नमाज अदा करते हैं। इस्लाम धर्म का प्रमुख ग्रंथ कुरान है। इस ग्रंथ में मुस्लिम धर्म से जुड़े लोग मानते हैं कि यह अल्लाह के द्वारा भेजी गई अंतिम और सर्वोच्च किताब है। इस्लाम धर्म के सबसे प्रमुख धार्मिक स्थल मस्जिद
इमाम रेजा श्राइन, जो विश्व का सबसे बड़ा मस्जिद है। इस मस्जिद का निर्माण इमाम रेजा की कब्र के आसपास किया गया है, जो 12 इमामों में से 8वें इमाम थे। ईरान में स्थित यह मस्जिद विश्व में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध मस्जिद में से एक है। दुनिया के सबसे बड़े दूसरे मस्जिद की बात करते हैं, जो कि एक खास गुण की वजह से पहचाना जाता है, जुमा मस्जिद। यह मस्जिद मास्को में है। यह मस्जिद भी बहुत बड़ा और विशाल मस्जिदों में से एक है। इसकी खास बात यह है कि यहाँ पर एक साथ 10,000 लोग नमाज पढ़ सकते। अब बात करते हैं दुनिया की सबसे प्रसिद्ध और बड़ी मस्जिद के बारे में, जिसका नाम अल हरम मस्जिद मक्का में स्थित है। मक्का में स्थित यह मस्जिद अल हरम मस्जिद दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद है। यह मस्जिद इस्लाम धर्म की सबसे खास मस्जिद है। मक्का के बाद अब आता है दुनिया के एक और खास और प्रसिद्ध मस्जिद का नाम, जिसे हम मदीना के नाम से जानते हैं। मदीना में स्थित पैगंबर मस्जिद इस्लाम का दूसरा सबसे पवित्र धर्म स्थल है। यही वो मस्जिद है जहां यहां पर लाखों लोग इबादत के लिए आते हैं। यह बहुत विशाल मस्जिद है, जहां पर एक साथ करीब 6,00,000 लोग नमाज अदा कर सकते हैं। इसके बाद प्रसिद्ध मस्जिदों में एक मस्जिद और है, जो यरूशलम में स्थित है। अल अक्सा मस्जिद यरूशलम में टेंपल माउंट पर बनी हुई है। इस मस्जिद के गुंबद सोने से निर्मित हैं। इसी क्रम में अब हम बात करते हैं बौद्ध धर्म की। बौद्ध धर्म दुनिया में अधिकांश ऐसे लोगों का है जो बौद्ध धर्म के उपासक हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। बौद्ध धर्म के प्रमुख स्थल बोरोबुदुर बौद्ध मंदिर, यह बौद्ध मंदिर इंडोनेशिया की दावा प्रांत में मगेलांग में स्थित है। यह दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध विहार है। बौद्ध धर्म के बाद एक धर्म और आता है, जिसे जैन धर्म के नाम से जाना जाता है। जैन धर्म भारत की श्रवण परंपरा से निकला प्राचीन धर्म है। जैन अर्थात कर्मों का नाश करने वाला, जिन भगवान के अनुयायी हैं। जैन लोगों का प्रमुख धर्म ग्रंथ जैन धर्म ग्रंथ समस्त आगम ग्रंथों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला प्रथमानुयोग, दूसरा कर्णानुयोग, तीसरा शरणानुयोग और चौथा द्रव्यानुयोग। जैन धर्म के प्रमुख गुरु महावीर स्वामी को माना जाता है। जैन धर्म का प्रमुख जैन मंदिर माउंट आबू में स्थित है, जिसका नाम दिलवाड़ा मंदिर है। सबसे बड़ा आध्यात्मिक स्थल कौन सा है? तो मैं बता दूं, सबसे बड़ा आध्यात्मिक स्थल आपका हृदय है। हृदय में साक्षात भगवान आपके साथ विराजमान है। वेदों में लिखा है, कैसी लगी जानकारी? आशा करता हूँ कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। मैंने सभी धर्मों के ग्रंथों के साथ उनके धर्म स्थलों की जानकारी देने का प्रयास आपको किया है। यदि जानकारी आपको पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, चलता हूँ, मिलता हूँ फिर अगले वीडियो पर। तब तक सभी को राधे राधे। जय जय श्री राम दोस्तों, मिलता हूँ अगले वीडियो पर।